अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 8 वेव्स का नेक्स्ट लेक्चर ऑर्गन पाइप्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस इन एयर कॉलम को देखा। देखिए, वो जो एक एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने ये देखा था कि जब रेजोनेंस ट्यूब में जो वाटर है उसके ऊपर जो ट्यूनिंग फोर्क रखा हुआ था, वो ट्यूनिंग फोर्क किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा था। हम लोगों ने जब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सुना तो हम ये जज कर सकते हैं कि पहले उसकी फ्रीक्वेंसी, वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, उसकी साउंड इंटेंसिटी कितनी है। और उसके बाद जब हमने वाटर के लेवल को, जो रेजोनेंस ट्यूब के अंदर मौजूद वाटर है उसके लेवल को जब हमने डिक्रीज़ करना शुरू किया, उस रेजोनेंस ट्यूब में से पानी को जब हमने निकालना शुरू किया था, तो हमने ये देखा था कि एक वक्त ऐसा आता है, एक ख़ास लेंथ ऐसी आती है, एक सिलेक्टेड लेंथ आती है जिस लेंथ के ऊपर रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। रेजोनेंस का फिनोमेना से मुराद ये है कि जब वाटर के लेवल को उस रेजोनेंस ट्यूब से हम निकालना शुरू करते हैं तो उधर एयर मौजूद, जो एयर होती है वो उस वाटर की जगह लेने के लिए आ जाती है। अब जब एयर वहाँ पर आना शुरू हो जाती है तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वेव्स है, जो वाइब्रेशन है, वो जो एयर कॉलम के मौजूद अंदर पार्टिकल्स हैं वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से जब वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की मैचिंग की वजह से रेजोनेंस होता है और उस साउंड की जो इंटेंसिटी है वो अच्छी खासी इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद हमने जब वाटर लेवल को और डिक्रीज करना शुरू किया तो फिर साउंड इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, और फिर ख़ास एक सिलेक्टेड लेंथ L2 के ऊपर हमने एक और बार, दूसरी बार सेकंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो अकर हुआ था, और हमने दूसरी बार एक लाउड साउंड को सुना था। तो वो लेंथ को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद एंड करेक्शन के बारे में भी बताया था कि एंटी नोड जो होता है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है एंटी नोड के ऊपर पार्टिकल की, तो वो एंटी नोड एयर कॉलम से थोड़ा सा ऊपर बनता है। खैर, उसकी कैलकुलेशन की तरफ हम नहीं जा रहे थे, ये सिर्फ पता होना हमारे लिए लाजमी था कि एंड करेक्शन होती है। आज हम ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जितना भी हम लोगों के पास नॉलेज है, हम इस ऑर्गन पाइप को डिस्कस करने में यूज करेंगे। देखें, ऑर्गन पाइप के अंदर भी स्टेशनरी वेव बनती हैं, और जो रेजोनेंस इन एयर कॉलम है उसमें आपने देखा होगा कि थी तो साउंड वेव्स ही, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लेकिन हमने उसकी वेव को रिप्रेजेंट कैसे किया था, ट्रांसवर्स वेव की सूरत में, क्योंकि हमें इजीली पता है, हमने ट्रांसवर्स वेव जो है वो स्टेशनरी जो है ट्रांसवर्स वेव की सूरत में भी हमने देखा। तो हमारे लिए ये आसान है कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड एंड हो और हम इधर से पल्स भेजते थे तो रेयर से वो जब डेंसर मीडियम में पल्स जाता था तो वो इन्वर्ट हो जाता था। ये सारा सिनेरियो हमें पता है। हम इस वजह से क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही। अब देखें, जब हमने उस रेजोनेंस ट्यूब में एक, आप यूँ समझ सकते हैं कि एक इंसिडेंट पल्स गई थी या साउंड वेव्स की जो वाइब्रेशन है वो गई थी, तो नीचे वाटर था, एयर कॉलम में एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो रेयर मीडियम है, नीचे वाटर है, तो होगा क्या कि जब एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए आएंगे, इंसिडेंट वेव वाइब्रेट करते हुए आएगी, तो इस वाटर के लेवल से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाएगी, तो हमारे पास स्टेशनरी वेव बनी थी। इसी को मैं लिंक करूँगा आगे। हमारे पास ऑर्गन पाइप बेसिकली एक सिंपल आप कह सकते हैं एक पाइप है जो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। जैसे फ्लूट, जो बांसुरी होती है, हमारे पास एक पाइप नुमा होती है, उसके दोनों एंड आप देखें या तो ओपन हो सकते हैं दोनों एंड, या एक एंड क्लोज हो सकता है, एक एंड ओपन हो सकता है। आज हम इसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के में जो स्टेशनरी वेव बन रही होती है और उनकी मदद से हम एक रेजोनेंस का फिनोमेना करते हुए अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो हम आज इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, ऑर्गन पाइप के नीचे दो टाइप्स हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक और है ओपन ऑर्गन पाइप। आज हम पढ़ेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो देखें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या है, अ पाइप हुज एंड ऑपोजिट टू द विसल एंड इज क्लोज्ड इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप। द एयर कॉलम इज सेंट इनटू द वाइब्रेशन बाय सेंडिंग अ नैरो जेट ऑफ एयर टुवर्ड्स दिस एज। अब देखें, हमारे पास एक इसी तरीके की एक आपके पास पाइप है, ये पाइप एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ओपन है। जो ओपन एंड होता है उसे हम कहेंगे विसल एंड, वहां से हम साउंड वेव्स को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सेंड करेंगे इस पाइप के अंदर, उस ओपन एंड से हम साउंड वेव्स को सेंड करेंगे। तो इसको सेंड करने का तरीका क्या है कि आप एक ट्यूनिंग फोर्क ले आए, इस पाइप के करीब एक आप ट्यूनिंग फोर्क ले आए। अब ये जो ट्यूनिंग फोर्क आपके पास होगा, ये ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, हम इस ट्यूनिंग फोर्क की मदद से जो
वाइब्रेशन है, जब हम ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाएंगे तो फिर साउंड वेव इस पाइप के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी, मतलब इस पाइप के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें स्टेशनरी वेव मिले। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि उस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे हमें पहली फ्रीक्वेंसी मिले, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिले, वो पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो आप ये देखें, ये जो क्लोज एंड है, इस क्लोज एंड में हमेशा याद रखना नोड मिलेगा आपको, और जो ओपन एंड होता है उधर हमेशा एंटी नोड मिलेगा। क्लोज एंड पे नोड क्यों मिलेगा, क्योंकि क्लोज एंड पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। तो जब उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जिनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती थी, हमने पढ़ा हुआ स्टेशनरी वेव में, उनको कहते थे नोड। और जहां पर पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, अब ये ओपन एंड है, इधर पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रही होगी, तो वो हमारे पास बन जाता है एंटी नोड। तो यहां पर आप मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी देखिए क्या बन सकती है, एक नोड बने और एक एंटी नोड बने। अब आप देखें, आपने जो वाइब्रेशन भेजी वो इंसिडेंट वाइब्रेशन या इंसिडेंट वेव पल्स आई, इस क्लोज एंड पे आकर टकराई और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। हमने ये चीज तो स्ट्रिंग के केस में भी देखी थी, यही चीज कि आपके पास एक स्ट्रिंग फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड एंड के साथ सपोर्ट किया हुआ है हमने उसको, तो जब हम एक पल्स भेजते हैं तो वो पल्स आगे प्रोपागेट करेगी, इंसिडेंट पल्स आगे प्रोपागेट करेगी और फिक्स्ड एंड से टकराकर वापस आएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो उसमें अंदर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखें, ये आपके पास क्लोज एंड है, ये आप यूं समझ लें ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आएगा और हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बनेगी। तो यहां पर नोड बना और यहां पर हमारे पास एंटी नोड बना, और हम लोगों को ये बात बेहतर पता है कि एक नोड से एंटी नोड तक का फासला कितना होता है, लैम्डा बाय 4। एक नोड से नोड तक का फासला कितना होता है, लैम्डा बाय 2। ये तमाम बातें हमें पता है। तो अब यहां पर देखें, पहले हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी उसमें एक नोड होगा, एक एंटी नोड होगा, और उनके दरमियान जो लेंथ होगी, जो आपके पास इस ये जो हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ अगर एल है, तो हमारे पास नोड से एंटी नोड तक का फासला कितना होता है, लैम्डा बाय 4। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, इफ एल इज द लेंथ ऑफ पाइप एंड लैम्डा 1 इज द वेव लेंथ, देन L इज इक्वल टू लेमडा 1/4, क्योंकि इस ऑर्गन पाइप की लेंथ इस टाइम एक नोड और एंटी नोड बन रहा है और उनके दरमियान फासला कितना होता है, लेमडा बाय 4। तो फर्स्ट केस है तो मैंने लिख दिया लेमडा 1/4, और लेमडा 1 की यहां से वैल्यू निकालें तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 4L। अब हम लोगों को पता है कि हमने इस लेमडा 1 को V इज इक्वल टू F लेमडा वाले फार्मूले में पुट करना होता था, फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है हमने वेव। अब देखें, इफ V इज द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव सेंट इन टू द पाइप, देन फ्रीक्वेंसी F1 इज गिवन बाय V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1, और F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 1। तो यहां पर लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली हुई है, 4 टाइम्स लेंथ, तो V ओवर 4L। ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो मिनिमम पहली पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या इसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहेंगे। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फिर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको कहेंगे सेकंड ओवरटोन। इसको फंडामेंटल का जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे उसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इससे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे उसे कहेंगे सेकंड ओवरटोन। अब इसको तो हमने कह दिया फर्स्ट हार्मोनिक, लेकिन हार्मोनिक्स हमें लगातार मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओवरटोन हमें मिलते हैं, लेकिन हार्मोनिक्स हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी हम देखते हैं क्यों ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, हम अब नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करना चाहते हैं, या उसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। तो अब हमारे पास वही ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ हमारे पास कैपिटल एल है। अब हमने एक पॉसिबल सिचुएशन देखी थी, स्टेशनरी वेव में एक नोड एक एंटी नोड बन रहा था। इस ऑर्गन पाइप में अब हम देखेंगे दोबारा कि हमारे पास क्या कोई और हमारे पास स्टेशनरी वेव बन सकती हैं, और लूप्स इस ऑर्गन पाइप में फिट हो सकते हैं स्टेशनरी वेव के। तो आपने ये भी देखा था कि जब हम लोगों ने रेजोनेंस ट्यूब में वाटर के लेवल को डिक्रीज करना शुरू किया था तो हमारे पास एक और स्टेशनरी वेव बनी थी किसी खास लेंथ के ऊपर। तो इधर भी आप देखें, लेंथ आपके पास वही है, लेकिन जब हम साउंड वेव्स को जब भेजेंगे तो हो सकता है कि एक और आपके पास कंडीशन ऐसी बने कि आपके पास पहली वाली जो हमें मिली थी ये मिले, और उसके बाद हमारे पास एक और इस तरीके से एक स्टेशनरी लूप मिले। आपको मैंने पहले भी बताया, जो क्लोज एंड होगा उधर आपको हमेशा नोड ही मिलेगा,
एक आपको यहाँ पर नोड मिला और एक पहले भी आप देख सकते हैं हमें नोड मिला हुआ था, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये आपके पास नोड और ये नोड, तो इन दो नोड के दरमियान ये एंटी नोड और एक और एंटी नोड। तो हमारे पास टोटल लेंथ एल थी ऑर्गन पाइप की, तो यहाँ पर देखें एक नोड से एंटी नोड तक का फासला लैम्डा बाय फोर होता है, ये सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम लैम्डा टू बाय फोर कर देंगे। एक एंटी नोड से नोड तक का फासला लैम्डा टू बाय फोर, नोड से एंटी नोड तक का फासला लैम्डा टू बाय फोर। अच्छा, कुछ बुक पे यूं भी हुआ हुआ है, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी कर लें। एक नोड से नोड तक का फासला कितना होता है? लैम्डा बाय टू। तो आप इधर से लेकर इधर तक डायरेक्ट लैम्डा बाय टू लिखें और फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला लैम्डा बाय फोर लिखें, तब भी आंसर वही आएगा। तो मैंने एंटी नोड और नोड वाला सेपरेट सेपरेट करके लिखा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। अब देखें टोटल लेंथ इसकी ऑर्गन पाइप की तो वही कैपिटल एल है। अब हमारे पास लेकिन नोड और एंटी नोड की जो कम्बिनेशन है वो ज़्यादा हो रही है, लैम्डा टू बाय फोर प्लस लैम्डा टू बाय फोर प्लस लैम्डा टू बाय फोर, तो कितना हुआ? थ्री लैम्डा टू बाय फोर, वन टू थ्री। तो हमारे पास टोटल लेंथ अब किसकी इक्वल आएगी? थ्री लैम्डा टू बाय फोर, और लैम्डा टू की यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो फोर एल डिवाइडेड बाई थ्री। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जब हम इसकी, तो किस तरह निकालेंगे? वी इज इक्वल टू एफ टू लैम्डा टू, एफ टू इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा टू, लैम्डा टू की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो वी ओवर फोर एल बाई थ्री, ये फोर एल बाई थ्री इधर आ गया। इसको हम जब इन्वर्ट करेंगे तो थ्री वी बाई फोर एल। अब हम देखें एफ टू इज इक्वल टू, जो हमारे पास हम कह रहे हैं फर्स्ट ओवर टोन आ रहा है, एफ टू इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय वी बाई फोर एल। ये वी बाई फोर एल तो हमारे पास वही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, तो हम यहां पर क्या पुट कर देंगे? f2 इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ f1। मैंने आपको पहले भी बताया ओवरटोन हमें मिलते रहेंगे, देखें फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस तरह हमें मिलते रहेंगे ओवरटोन, लेकिन हार्मोनिक्स आप देखें सेकंड f2 जब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है? वो थ्री टाइम्स ऑफ f1 बन रहा है। तो यही मैं फर्क बता रहा हूं, हमारे पास सेकेंडली f2 इज इक्वल टू टू f1 नहीं बना, इधर f2 इज इक्वल टू थ्री f1, मतलब एक स्किप हो गया। तो ज़रूरी नहीं है हार्मोनिक्स आपको बिल्कुल सीधे सीधे मिल जाएं, ओवरटोन हमें मिलेंगे फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, लेकिन हार्मोनिक्स का हमें पता नहीं होता, वो कैलकुलेट करके ही पता लगता है। अब हम एक और सेकंड ओवरटोन या नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करते हैं कि हमें कब मिलेगा। तो देखें आपके पास ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ एल, अब इधर और क्या कम्बिनेशन हो सकती है? पहले आपके पास एक हाफ स्टेशनरी वेव फिट हुई, वो मिनिमम थी, फिर आपके पास वन एंड हाफ हो गई। अब हमारे पास देखें दो स्टेशनरी वेव के लूप बन रहे हैं और एक वही हाफ बन रहा है, तो हमारे पास इधर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? क्लोज एंड पे हमेशा क्या मिलेगा? नोड। ओपन एंड पे हमें क्या मिलेगा? एंटी नोड। और इनके दरमियान हम देखते हैं नोड एक और स्टेशनरी वेव जो फिट हुई है, नोड एंटी नोड तक का फासला लैम्डा बाय फोर, इधर से इधर तक का फासला लैम्डा बाय फोर, नोड से एंटी नोड तक का फासला लैम्डा बाय फोर, ये तमाम लैम्डा बाय फोर आ रहे हैं आपके पास। तो इधर हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव, हमारे पास इस पूरी लेंथ में टोटल फाइव टाइम्स लैम्डा थ्री बाय फोर आ रहे हैं, और लैम्डा थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फोर एल डिवाइडेड बाय फाइव मिलती है हमें। अब लैम्डा थ्री हमने निकाल ली, अब हम वेव की स्पीड का फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ थ्री लैम्डा थ्री, एफ थ्री इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा थ्री, v यहाँ पर हमने पुट कर दिया, लैम्डा 3 4l डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो 5 टाइम्स ऑफ v ओवर 4l, ये v ओवर 4l फिर से वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो f3 हमें कैसा मिल रहा है? 5 टाइम्स ऑफ f1। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें ओड मल्टीपल्स मिल रहे हैं, 1 3 5 7, इस तरीके से हम अगर आगे चलते जाएं तो हमें ओड मल्टीपल्स मिल रहे हैं। हारमोनिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हारमोनी बन रही है। अगर इस तमाम को हम स्टेशनरी वेव इसी तरीके से अगर हम और बनती जाए तो हम अगर इसको जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे? 2n माइनस 1 4 बाय v बाय 4l, इसको हम किस तरह लिखेंगे? 2n माइनस 1 v बाय 4l। अब आप यहां पर देखें अगर आपको पहली फ्रीक्वेंसी चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो n की जगह आप क्या लिखेंगे? 1। तो जब आप n की जगह 1 लिखेंगे तो यहां पर मैं कर देता हूं, जब हम 2n माइनस 1 v बाय 4l, n की जगह 1 रखें आप तो 2 इंटू 1 माइनस 1 v बाय 4l, तो 2 वन 2 और 2 में से एक निकालेंगे तो क्या बनेगा? 1 v बाय 4l। क्या ये v बाय 4l आपको मिली पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अब आप अगर n की जगह 2 रखें, यहां पर 2 रख दें
तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 -1 3, तो आपको क्या मिला, 3 times of V/4L। तो ये हमने जो जनरलाइज्ड फॉर्म बना दिया, इसमें आप कोई भी n की वैल्यू जो आपको चाहिए आप वो पुट करें, तो आपको पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ये तमाम आपको मिलता रहेगा। अब आप n की जगह अगर 3 पुट करें तो 2 3 6 6 -1 5, तो 5 V/4L। इस तरीके से हमारे पास ये जनरलाइज्ड वेव बन जाती है। और ये हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और ये हम लोग फ्लूट वगैरह में देखते भी हैं कि जब हम जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होते हैं उसमें अगर हम साउंड वेव्स को सेंड करें तो उस ऑर्गन पाइप के मौजूद जो अंदर एयर है वो किस तरीके से वाइब्रेट करेगी, वो हमने यहाँ पर देखा कि वो अगर वाइब्रेट करती है और यहाँ पर जाके पहला मिनिमम हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बनती है कि यहाँ पर क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा और जो ओपन एंड है उधर एंटी नोड बनेगा। तो ये हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ओपन ऑर्गन पाइप, वो भी इसी तरीके से बहुत आसान है और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको हम जो हैं वो ओपन ऑर्गन पाइप में भी देखेंगे। आपके पास बस आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, और नोड से एंटी नोड तक का फासला लैम्डा बाय 4 है। तो ये आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ें।